ओके यहाँ देखिए ग्रोथ ऑफ करंट की बात कर रहे थे, तो इंडक्टर में एक्चुअली होता क्या है कि जो करंट बढ़ रहा है ना, जो करंट बढ़ रही है वो एक्चुअली क्या हो रहा है, 63 पार्ट 100 पार्ट तो यहाँ पे हो जा रहा है, 100 पार्ट यहाँ पर है, 63 पार्ट एक टाइम कॉन्स्टेंट में पहुंच रहा है, ठीक है, 63 पार्ट करंट का 100 में 63 पार्ट एक टाइम कॉन्स्टेंट में पहुंच रहा है, ठीक है, पहुंच रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ओके स्टूडेंट्स यहां पर देखिए इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, यहां पे टॉ हमने लिखा है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, यहां पे इंडक्टर रेजिस्टेंस था, तो एल बाय आर का यूनिट किसके यूनिट के बराबर होगा, टाइम का यूनिट, और जिसको हम सी आर भी कह सकते हैं, सी आर, ठीक है, सी आर क्या है तो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, ये भी टाइम का यूनिट है, ये भी टाइम का यूनिट है, ठीक है, दोनों टाइम का यूनिट है, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा। तो यहां देखिए कि एल, एल का यूनिट क्या है तो हेनरी बाय रेसिस्टेंस का क्या है ओम, इसका क्या है हेनरी का क्या आता है ओम इनटू सेकंड, इसका क्या है ओम, ओम से ओम कैंसिल होगा सेकंड, मतलब यह है कि जो टाइम कांस्टेंट है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट एल बाय आर, वो किसको यूनिट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक्चुअली टाइम को बता रहा है, ठीक है, सी आर भी क्या कर रहा है टाइम को बता रहा है, तो एल बाय सी किसको बताएगा, ठीक है, एल बाय सी किसको बताएगा, एल बाई सी जो है आर स्क्वायर को बताएगा, ठीक है, तो रेसिस्टेंस बहुत सारा चीज से आप निकाल सकते हो कि अगर सी आर जो है टाइम कॉन्स्टेंट है, अगर सी आर भी टाइम कॉन्स्टेंट है तो रेसिस्टेंस की वैल्यू देखो, यहाँ पे एल बाई सी की रूट अंडर लेते हैं तो ये क्या हो रहा है रेसिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, एल बाई सी का रूट अंडर ले रहे हैं तो ये क्या आ रहा है रेसिस्टेंस का वैल्यू आ रहा है, रूट अंडर इतना आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 - e to the power - t/τ, इस तरह से हम लोग समझते हैं, जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमने करंट बताया, करंट जो है समय के साथ क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, प्लस साइन यहां नहीं दिया हुआ, यहां नेगेटिव साइन है, तो समय के साथ ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं इसको, ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट। तो सपोज दैट मान लो कि एक टॉ इज इक्वल टू 1 एल वाई आर में करंट कितना ग्रोथ कर रहा है, तो करंट जो है 63% ग्रोथ किया है, 63% मतलब 100 में कितना, तो 63% 63% जो है करंट पहुंच चुका है, ठीक है, एक टाइम कांस्टेंट में धीरे धीरे और पहुंचते 100% पहुंच जाती है, ठीक है, ये चीजें मैंने बताया। अब थोड़ा सा चलते हैं, जो मैंने बताया था इंडक्टर जो है उसके अक्रॉस ईएमएफ भी होगी, तो जो ईएमएफ होगी, देखिए फिर से मैं ग्राफ बता रहा हूँ, ये एलआर सर्किट में रेसिस्टेंस है और ये इंडक्टर है, ठीक है, और इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी को लगा के रखा हुआ है, ये हमारा बैटरी है, ठीक है, इसके अक्रॉस जो ईएमएफ है इतना है, अब ये जो है रेसिस्टेंस है, अब ये कितना है इंडक्टर एल है, ठीक है, तो ये जो ई है, ये रेसिस्टेंस है, तो करंट जो है इसके अंदर पास हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कुछ ना कुछ इसके अंदर होगी, अपोजिशन में अपोज करेगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है यहां पर क्या करेगा अपोज करेगा, तो जो अपोज कर रहा है वो क्या है, उसको समझते हैं। तो यहां पर देखिए अपोज करने का मतलब क्या है, तो यहां पर अपोज करने का मतलब है कि अगर आपने इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितनी है, तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को हम निकालते हैं एल इंटू आई, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, एल कॉन्स्टेंट है तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, यही तो है। तो यहां पे डिफ्रेंशिएट करते हैं डी आई बाई डी टी को, यहां डिफ्रेंशिएट करेंगे डी आई बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, यहां पे आई नॉट, ठीक है, तो आई नॉट के बदले हम लोग क्या लिखते हैं ई वाई आर, है ना, लिख देते हैं ई वाई आर, यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करें तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1/τ, मतलब क्या होगा एल बाय आर आ रहा है ना, एल बाय आर, आर से आर कैंसिल हो जा रहा है, और यहां पे एक्सपोनेंशियली ई टू द पावर टी बाय एल बाय आर आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतनी दीवार है एक बात। अब यहां पर सवाल यह है कि एल को मैं इधर ले जाऊं तो एल डी आई बाई डी टी
दिस इज इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाय एल टू द पावर आर। ठीक है, तो यहां पे एल डी आई बाई डी टी एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहां देखिए ये एक्चुअली है क्या, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंडक्टर के अक्रॉस आ रहा है अपोजिशन में, वो समय के साथ कैसे बदल रहा है वो देखिए। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे समय बढ़ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी धीरे 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 घटते 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 जा रही है, और जब टाइम इनफाइनाइट हो जा रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, एट टी इक्वल टू जीरो, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, ई इज इक्वल टू हाउ मच, ई की वैल्यू कितनी है, तो ई की वैल्यू जो है वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो रहा है। ठीक है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, मतलब टाइम जीरो पर जब स्टार्ट कर रहा है तो टाइम जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू है ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी है भाई, मैक्सिमम वैल्यू, आप इसको मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हो, तो मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हो। और इसी इंस्टेंट पर, कभी कभी कहते हैं कि इसी इंस्टेंट पर करंट भी जीरो था, इसी इंस्टेंट पर करंट भी जीरो था, तो इस चीज को असर्ट मत समझना, करंट इसके बाद चेंज होना शुरू करता है, करंट इसके बाद ग्रोथ करना शुरू करता है। तो करंट तो ग्रो करेगा, करंट ग्रो करेगी, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ धीरे धीरे क्या होगी, घटना शुरू करेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ धीरे धीरे घटेगी, करंट का ग्रोथ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यही है बेसिक फंडा, यहां करंट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो करंट चेंज हो रहा है, कुछ लोग इसको कुछ राइटर्स कुछ अलग तरह से इसको एक्सप्रेस करते हैं कि ये एक ऐसा चीज है जिसमें जिसमें पार्टिकल की डीवी बाई डीटी एक्सेलरेशन तो है, लेकिन लेकिन वी जो है टर्निंग पॉइंट पे चेंज नहीं कर रहा है, जैसे यानी कि इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। तो डीवी बाई डीटी मतलब उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब आप सेंटीपेडल एक्सेलरेशन समझ लो, है ना, तो सेंटीपेडल एक्सेलरेशन तो है लेकिन स्पीड चेंज नहीं कर रही है, लाइक दैट समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझिए, बस उन सब चीजों को ज्यादा मत समझिए, बस इतना समझिए टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम ईएमएफ था, और करंट का ग्रोथ उसके बाद होना शुरू होता है, करंट का ग्रोथ उसके बाद होना शुरू होता है, और ईएमएफ धीरे 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 घटना शुरू हो जाता है, बस इतना ही समझो, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ओके।